हमारा प्रश्न है, कुचू कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कथकली। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली खालिस्तान चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। हमारा अगला प्रश्न है, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। हमारा अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने खालिस्तान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी आधुनिक नृत्य, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी फ्यूजन डांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिसी। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह खालिस्तान में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी भाद्रपद, ऑप्शन डी कार्तिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाद्रपद। हमारा अगला प्रश्न है, सुडो शब्द का प्रयोग सुडो में खालिस्तान के लिए किया जाता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए साधारण दंड, ऑप्शन बी रक्षात्मक कौशल, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी फेंकने का कौशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साधारण दंड। हमारा अगला प्रश्न है, सुमंग लीला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 दिसंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1978। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1961। हमारा अगला प्रश्न है, गुची उत्सव मुख्य रूप से भगवान के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, राउत नाचा पंथी और सुवा निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेसी मुखर्जी, ऑप्शन बी आर ई ग्रांट गोवन, ऑप्शन सी एंथोनी डिमेलो, ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर ई ग्रांट गोवन। हमारा अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक की आयु खालिस्तान के बीच होना चाहिए? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए
15 से 30 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 25 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी 40 से 80 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 से 40 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, खर्ची पूजा मुख्य रूप से खालिस्तान स्थान के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी मणिपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुरी। हमारा अगला प्रश्न है, छाऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन बी सुमित्रा हेला, ऑप्शन सी महबूब सुभाषी, ऑप्शन डी विदुषी के एस जयलक्ष्मी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपाल प्रसाद दुबे।